बट मैंने देखा नहीं है, बट अभी जाके मैं पक्का देखूंगा। अभी दिखा ना मेरे पास भी, शायद डिलीट कर दिया मैंने। अभीरा क्या होता है? अच्छा ये और मनारा। अभीरा क्या हुआ? अभीरा अभीरा वैसे मुना मुनारा ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने देखा एक दो विनर है सब लोग। मुन्ना वेब सीरीज भी आ रही है शायद मुन्ना की। I won't like to answer that question. As an artist, I can work with anybody. I don't mind. अभिषेक भाई जेल में भाई। बस खुश खुशी हो रही है ये सब सुनने को मिलता। तो जो आराम से भाई आराम। अभिषेक भाई यहाँ से स्टार्ट करो। अभिषेक भाई यहाँ पे। अभिषेक भाई इधर से स्टार्ट करो। नहीं नहीं इधर से करो। अभिषेक भाई यहाँ पे अभी यहाँ सुनो ठीक है नहीं चलती। अभिषेक भाई सेंटर में। अभिषेक भाई यहाँ पे हैप्पी बर्थडे भाई। बर्थडे नहीं है मुझे बोला जा रहा था कि लड़की नहीं मिलेगी। वैसे तो अभी भी नहीं मिल रही। नहीं मिलेगी नहीं। अभी मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं अभी तू काम पे ध्यान दे ले और लड़की लड़की कर लिया अभी थोड़ा करियर पे ध्यान दे। क्या हुआ खानजादी? और मैं अभी तक मिली अनुराग का मीटअप हुआ है। देखा मेरी बात भी हुई तो वो दोनों बहुत खुश है और मैं भी जल्दी मिलने वाला हूँ। होपफुली जल्दी ही मिलूँ मैं। अब मैं भी अब मिलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा सेटल सा हो गया। पहले मैं थोड़ा टायर्ड था सेटल नहीं हो पा रहा था। इसलिए और रोमांटिक सॉन्ग है तो जो सारे कपल्स हैं जो लवर्स हैं उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा। और वैलेंटाइंस डे के आस पास रिलीज हो रहा है। बहुत प्यारा सॉन्ग है और अखिल सचदेवा जी ने गाया जिन्होंने वो गाना गाया था सुन मेरे हम सफर। बहुत प्यारा ही गाना है मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आएगा। आप बहुत सारा प्यार दिया। आपके फेवरेट प्लेस पर ये शूट किया गया है चंडीगढ़ मेरे उड़ारिया के सेट पे शूट किया गया है। क्या बात है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी वहाँ पे मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। और सरगुन मैम भी मिले उन्होंने भी बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा खेला। तो बड़ा अच्छा लगा। अभिषेक भाई भाई सर मुझे भी नहीं पता। मैंने आज इनविटेशन भेजे जिनको नहीं मतलब मैं जो पर्सनली भेजना पार्टी भेजना चाह रहा था। बाकी मेरी टीम ने सारा काम कर दिया था। अभिषेक भाई सेंटर में जो लोग आ जाएंगे अच्छी बात है। नहीं आएंगे तो मैंने बोला कि आ जाना यार। दोस्ती पक्की है क्योंकि हमारी वीडियो कॉल पे इतनी बातें होती है। अभिषेक मुनव्वर का अभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन का वीडियो आउट हुआ है वो आपने देखा? नहीं मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं मेरे पास ही टाइम नहीं था।
और मैं अपने घर पे गया हुआ था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ भी मैं कर नहीं पाया, प्लस मैं गाना भी शूट कर रहा था तो थोड़ा सा बिजी था। अभिषेक आपका मीटअप बहुत अच्छा रहा, आपके फैंस हमने देखे बहुत क्रेजी हो रहे थे, क्या कहना चाहोगे, आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं आधे घंटे पहले स्टोरी लगाऊंगा और इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और मुझे लगता है मेरे को पहले बोलना चाहिए था कि मैं आने वाला हूँ तो शायद और लोग इकट्ठे हो जाते, बट बहुत भीड़ थी, पूरा गोविंदगढ़ जाम हो रखा था और सारे मेरे घर पे आए और सबने एक एक करके फोटो खिंचवाई। मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ सबके साथ फोटो क्लिक करके, मेरे पापा ऐसे खड़े थे कि सबके साथ खिंचवा, कि सबने एक एक वोट डाला मेरे को, तो मैं सबके साथ पिक्चर क्लिक करवा रहा हूँ, तो अच्छा लगा। बहनों से मिलकर आपका क्या? मेरे लिए बहुत ही अलग मूवमेंट था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब भी होगा, पर हुआ ये, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जय श्री राम, जय माता दी, कि मैं यहाँ पे पहुँचा और मैं आगे मेहनत करता जाऊँगा और आगे। अभिषेक बहन लोग का क्या रिएक्शन था, आपसे हग करके बहुत इमोशनल हो रहे थे, वो क्या कहना चाहते हैं? वो मेरी सिमरन दीदी थी, वो मेरे उड़ारिया में मेरी दीदी प्ले करती थी, तो मैं उनको दीदी ही बोलता हूँ, और मेरी माँ जो प्ले करती थी उनको मैं माँ ही बोलता हूँ, तो वो लोग भी आए थे, मुझे नहीं पता था वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनके पैर छुए, हग किया, वो लोग बहुत प्राउड थे, प्लस मेरी रियल सिस्टर, मेरी रियल मॉम, वो लोग भी बहुत प्राउड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा। अभिषेक भाई पैर वाला स्टाइल आपका, पैर वाला? हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, नहीं नहीं, थैंक यू सोनिया जी, राइट में देखिए, राइट होता है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट में, और स्ट्रेट में, ओके हो गया, थैंक यू सर। अरे मैम आप उधर ही करें तो और आगे आ जाएंगे, बाहर चले जाएंगे इनको, जी यहाँ देखिए, यहाँ चश्मा तो उतारने दो, नहीं नहीं लगे रहने दो, अच्छे लगे, ये पीछे करना आगे, रिंकू जी सामने देखिए, उतार लीजिए क्या कह रहे हैं, तांबे तेरा हाथ आ रहा है, आगे अरे तुम लोग का मोबाइल कुछ आ रहा है यार, सुनो यार, मैं वहाँ आगे से आएंगे, ओके ओके, हाँ सोनू की जो सोनू ये चलेगा, गुड, मोस्ट वेलकम, ओके वन सेक, या ओके रेडी, इनवाइट आएगा ये वो ऐसे, अच्छा फिर आया, आना अच्छा, ऑब्वियसली आऊंगी, तुझसे मिलने तो आऊंगी ना, चाहे तुझे मिलके चली जाऊं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, एंड क्यूटी पाई लग रहा है एज यूजुअल, आई नो कितना सेक्सी था यार, सुपर्ब था, बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई देखकर मुनव्वर का भी और अभिषेक का भी फैन मीट पूरा। आप लोग जिसको माफ कर रहे थे वो ही जीता, तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह का आपकी हर चीज सक्सेस का जो बना का,
आई वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली बोलती आई कि आई यू नो टू बिगिन विथ आई जस्ट होप अभिषेक और मुनव्वर सलमान सर के आजू बाजू में खड़े रहे. एंड जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा ऐसा था कि आई थिंक ये लोग ही रहेंगे, आई थिंक ये लोग ही रहेंगे. अच्छा टॉप थ्री, यू नो आई मीन, एंड सब ने सवाल किए थे टॉप थ्री टॉप फाइव वाला, तो मेरा हमेशा यही रहा था कि मुनव्वर और अभिषेक रहे, बाकी ऑफकोर्स जीतेगा कौन ये तो हम में से कोई नहीं जानता. बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो एटलीस्ट मैंने दुआ की, जो मैंने चाहा अभिषेक और मुनव्वर के लिए वो हुआ. सो आई एम स्टैटिक अबाउट इट. ये तो होंगे ही होंगे, इनके साथ मैं भी हूँ जी जी. अरे बहुत एक्साइटमेंट है, लेट नाइट्स होती जा रही हैं, मोटे हो जाएंगे ऐसी खा पी के. इतना अच्छा खासा बिग बॉस ने हमें रिड्यूस करवाया है तो थोड़ा वो जरूर इफेक्ट करता है, तो कोशिश करते हैं कुछ खाए पिए नहीं ज़्यादा, बट एक्साइटिंग है. सर अभी कुछ कॉल्स आई हैं, सम आई हैव लाइक सम आई हैव नॉट लाइक, बट जैसे ही कुछ होगा वी रेस्ट अश्योर्ड ये पूरी भीड़ आएगी कवर करने के लिए. हंड्रेड परसेंट नया क्या, बहुत धमाल करेंगे बट कुछ अच्छा डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम करेंगे. जी जी आई एम वेरी हैप्पी कि अभिषेक और मनारा का नया गाना आ रहा है एंड मुनव्वर भी अपने नए गाने की तैयारी में लगा हुआ है ऑलरेडी. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, मतलब मेरा बड़ा मन करता है उनको बोलने के लिए यार मुझे, जैसे मुनव्वर मेरी कल बात हुई तो ऐसे वो जा रहा था अपने रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने बोला यार मैं मन किया बोलने का कि मैं भी आऊँ, मैं पता चले वहाँ जाके मैं चीख चिल्ला पड़ूंगी ये ऐसे, फॉरगेट लेट हिम डू हिज वर्क क्रिएट हिज म्यूजिक एंड फिर हम सब सुनेंगे बढ़िया सा गाना. मैंने देखा और क्या बोले, ही इज अमेजिंग, ही इज फैब्यूलस. एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया बे, तो बोला अरे यार ये मुझे इम्प्रोम्प्टू आया था पर जब मेरा होगा फिर रेस्ट अश्योर्ड आप फर्स्ट रो में होगी. आई सेड और तू मेरी खिंचाई करेगा. All I have to say is any publicity is good publicity for both. So that's all I have to say for Elvis GB and for Munawwar also. As far as there's publicity, that's what matters, sweetheart. Thank you, thank you, thank you so much, guys. Thank you. Anji. क्या चाहिए आपको वाइफ में? वाइफ में ये चाहिए कि यहाँ पे आई हो अभिषेक के साथ पार्टी में आई हो, क्या करने वाले हो अंदर बता. मैं जस्ट अभिषेक के ग्रोथ से बहुत खुश हूँ और मैं उसको सिर्फ कंग्रेचुलेट करने आई हूँ. एंड मैं शूट पे थी बट मैं कल ही वापस आई एंड बिकॉज इट वॉज अभिषेक इसलिए मैं आज यहाँ पर आ गई, वरना मैं बहुत थकी हुई थी ना आ पाती, बट अभिषेक के लिए आ गई. सरप्राइज है बट आई गिव यू अ हिंट, इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ स्पेशल सॉन्ग इन अ फिल्म इन द साउथ. सो आयशा जी, कुछ आप बताना चाहिए खबर
फिल्म करी थी हाँ कुछ एक एक सॉन्ग करी हूँ मैं एक स्पेशल सॉन्ग एंड इट्स इन द फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी सो इट्स अ स्पेशल सॉन्ग सर जस्ट होप जब रिलीज हो तो आप सभी को बहुत पसंद आए बहुत मेहनत की मैंने आई स्वेयर कमर टूट गई मेरी करते करते डांस काम वाइज तो जो पहले काम छोड़ कर गई थी जो थोड़े अधूरे कमिटमेंट्स थे वो पूरे कर रही हूँ फिलहाल नए काम आ रहे हैं बट मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हूँ चीज़ों को लेके तो बस अच्छे और बड़ी चीज़ का वेट कर रही हूँ सुनने में कहाँ से आ रहा है आपको ये बताओ पहले मुझे ये जो आप सुन रहे हो मुझे आप याद हो बहुत अच्छे से याद हो कहाँ से सुन रहे हो ये सब अच्छी बात है ना आपको तो खुशी होनी चाहिए यार गेट टुगेदर था यार छोड़ दो यार उस टॉपिक को प्लीज नहीं लेकिन पार्टी में क्या हुआ था कुछ नहीं हम सब विकी भैया जस्ट एविक्ट हुए थे तो शो से रिलेटेड एविक्शन से रिलेटेड नॉर्मल कॉन्वर्सेशन डे टू डे लाइफ वाली नहीं एक्चुअली मेरी बात ही हुई बट जहाँ तक मैं जानती वो बिलासपुर में है अच्छा पहले नहीं थी अभिषेक का एल्बम आ रहा है हाँ और आज ही मैंने पोस्टर देखा अभिषेक और मनारा दोनों का दोनों बहुत अच्छे लग रहे साथ में एंड रियली वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर कौन सा कॉम्पिटिशन ये दोस्तों से कॉम्पिटिशन थोड़ा ना होता है यार क्या बात कर रहे हैं I won't like to answer that question. As an artist, I can work with anybody. I don't mind. I don't want to answer that question. मैं एक्चुअली शूट पे थी शो के बाद में हैदराबाद में थी आई एम सो सॉरी मैं हैदराबाद में थी तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं आप ही लोगों से मिली हूँ सबसे ज़्यादा मुलाकात मेरी आप लोगों से हुई है और बाकी अभी अभिषेक से मिली ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाई बट आई एम होपिंग टू सी एवरीबडी हियर टू हाँ इट्स ऑल चिल इट्स ऑल कूल शी इज़ रियली अ नाइस गर्ल शो में थोड़े यू नो वैसे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस होते हैं बट शी इज़ अ नाइस गर्ल आई एम होपिंग टू सी हर टुडे हियर आखिर में बात है फेवरेट कौन सा सॉन्ग पर डांस करने वाले हो क्या करने वाले हो आप बताइए किस गाने पे डांस करना है मैं कर लूँ जिस तरह की आप लोग ट्यूनिंग बैठने कोनिंग बैठे दोनों के चुनरी चुनरी ठीक है जिस गाने पे बोलेंगे आप मैं डांस करूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू हाँ नो हिंदी सॉरी चलो Thank you. So the Big Boss contestants. Reunion and big party. Yeah, the reunion is bahut acha. I'm very happy to see everybody, especially Abhishek, as you know. And it's very nice to see everybody. It's like a family. So I'm very happy to see everybody. Very good. I know. I need to go and do it now. I just arrived like 10 minutes ago. I'm just settling in, but I was very happy to see him. He was very happy to see me. So let's see what happens. Munawar is coming. Yeah. Of course, Munawar, he's very good. He played the game very well in Big Boss, and I'm very happy to see him again. And I'll see him again in the next day or so for the Big Boss finale party. Yes, I know. I'm going around Mumbai learning more about the culture, hopefully trying to improve my Hindi. But I think a lot of my followers and audience, they like it. You know, I'm like the Big Boss international contestant exploring Mumbai. And I really enjoy it. It's very good. Bahut acha. Next party is the 9th of February. Yes, February, yes. Yes, I think 9th of February is going to be very good. I think everybody's going to come together.
It's going to be one party, and you know, like Manara says, party vibe. Yes. No, but to be honest with you, I've become good friends with everybody, like Neil, Rinku, Aisha. Even though I haven't been with Aisha in the house, she's still a very good friend of mine. So I'm happy to see everybody. I have no problem. Everybody's very good. We're like family. Yes, I know. I'm very excited to see the video with Abhishek and Manara. I think they're beautiful together. And I just hope Manara doesn't take him away from, you know, from me, you know, with Abhishek. And I'm very proud of them. They're very deserving and I wish them the best. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much. Party to dhamal karne ke liye hoti hai. And yes, I'm very happy to meet Abhishek here. It's been a while. Finale mein, I think, मुश्किल से दो मिनट मिले थे स्टेज पर, ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया था. एंड उसके बाद डायरेक्टली आई थिंक घर के बाद डायरेक्टली अभी मिल रहा हूँ, प्रॉपरली अभी मिला उसे. एंड या आई मीन वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. घर में तो काफ़ी फाइट हो गया, बाहर भी कुछ ऐसा होने वाला है या क्या पार्टी होने वाला, क्या होने वाला? इधर आपको बिग बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं ना, इधर कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या कुछ डांस करने वाले हो या जो हो गया बिग बॉस पूछ रहे हैं? बिल्कुल, मतलब म्यूजिक बजेगा, डांस करेंगे यार, सब डांस करेंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मेरे जितने भी हमारे जो ग्रुप वाले थे वहाँ पर, अभी आए हैं, सब मिले हैं. उन्हीं से मिलकर आ रहा था तभी आप लोगों ने बुला लिया, तो मैं आ गया बाहर. आई होप जल्दी ऐसा कुछ हो जाए. आपके मुँह में घी शक्कर यार. जी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड कांग्रेचुलेशंस टू देम, सीरियसली ऑल द बेस्ट. Okay. I have not seen it. I have not seen it yet. But I'm sure he's great, यार. मैंने उसको अंदर बोला था, मैं तेरी कॉमेडी का परपेचुअल फैन हूँ. मतलब इस तरह से मैंने उसको बोला था. वो जो एटलीस्ट शो में जो करता था, इसके पहले मैंने उसका एक भी काम देखा नहीं था, पर शो में जो भी उसने आई डोंट नो कितना दिखाया आप लोग को पता नहीं, लेकिन उसने जो हमारे साथ बैठ के जो जोक्स मारता था वो कमाल के थे यार. Immense fan following they have and I'm very happy for them. Seriously, बहुत I think it requires immense amount of talent जब इतने लोग आपके fans होते हैं. सर एक बात बोलिए, अंकिता और आपका अभी जब निकले आप करके तक सब मुलाकात हुआ, किस तरह के बोलने कि आप काफी सारे मतलब एक दूसरे को मतलब फाइट कर रहे थे, तो क्या है? अभी तक कोई मुलाकात हुई नहीं है. अभी तक मतलब कुछ नहीं मिलने का, मतलब कुछ प्लान उन्हें बना कि भाई मिलने हो? नहीं, अभी तक बना ही नहीं है. आई थिंक घर से निकलने के बाद सब बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो आई थिंक कोई अभी तक वैसे प्लान बना नहीं है. अभिषेक ने खतरों के खिलाड़ी कहीं ना कहीं ये खबर आ रही कि अभिषेक को मनारा खतरों के खिलाड़ी यू नो शो एक्सेप्ट किया है, उनका जो प्रपोजल था, तो क्या इस बार नील देख सकते हैं लास्ट सीजन में एज वेल एज थिंक? आई डोंट नो यार, नॉट येट डिसाइडेड एंड अभी तक मुझे ऑफर भी नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो. I think 11 hafte good amount of time hota hai, respectable amount of time I can say. So we are happy with our journeys. कुछ लोग बोलते सेटिंग था बिग बॉस के, सही में सेटिंग था बिग बॉस? किसके साथ आपको कॉल आया था? आपने सेटिंग किया था बिग बॉस के साथ? क्या मतलब, खाली कंट्रोवर्सी के लिए आपको सवाल पूछने? बस आप उसको पूछे जिसको लगता है जिसकी सेटिंग हुई है, आप मुझे मत पूछिए. जैसे होगा आपको पता चल जाएगा, जैसे ही कुछ साइन करूंगा आपको पता चल जाएगा. तो सबके म्यूजिक एल्बम आ रहा है, आपका कब म्यूजिक एल्बम देखने को मिलेगा? नहीं का मतलब, आप कब गाना गाओगे? आपके गाने के ऊपर म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ मैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू. और मुन्ना का रिश्ता है वो पर्सनल है, बहुत पर्सनल लेवल पे है, तो मैं वहीं तक रखना चाहूँगी. बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, जो भी मैंने अभी तक पोस्टर देखा, पता चला अभी 9th को रिलीज हो रहा है टीजर, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों. सबकी अच्छी बात है, सब आगे बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड
करना ही चाहिए काम, सबको अच्छे काम कर रहे हैं सब लोग। मुन्ना वेब सीरीज भी आ रही है शायद मुन्ना की, तो लेट्स सी, वेट करते हैं। आपके बारे में क्या क्या कर रहे हैं, चल रहे हो आ रहे हैं? मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा। मतलब एक धमाका करने वाले लग रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत धमाके कर लिए अभी। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। वो आप मेरी एस्ट्रोलॉजी अभिषेक और मुन्ना को पूछ लेना, मैंने घर के अंदर ही उनको, एस्ट्रोलॉजर ने तो बहुत एंड में बोला, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था और अभिषेक को बोला था, अभिषेक तू ये 15 दिन संभाल ले, स्टार्टिंग वाले तू हीरो बन के बाहर निकला था। अब भी मैंने यही बोला, बताया हाँ जिग्ना जी आपने मुझे यही बोला था, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक राइट हैंड था एक लेफ्ट हैंड था, दोनों ही बच्चे आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. यार देखो अभिषेक और हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं अब दोस्ती से ज़्यादा है, अभी भाईचारे का है। तो जब अपना घर का कोई फैमिली मेंबर सक्सेसफुल होता है या अच्छा करता है लाइफ में, वी फील गुड, वी फील एक्साइटेड। So what are you asking exactly? Okay, I don't know. That's good, yeah, मुझे पता नहीं इस बारे में, ऐसा कुछ हुआ है, I don't know. Song shoot हुआ था वो पता है, but कहाँ हुआ है वो? No idea. हाँ, song shoot हुआ था ये मालूम। ठीक है, last question guys, last question. जैसे ही ऐसा कुछ होगा आपको न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। ओके, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अभिषेक को, लेकिन तुमने अभिषेक में एक पार्टी में बहुत मजा आ रहा है, डबल सेलिब्रेशन है, एक तो बिग बॉस की पार्टी है प्लस हमारा नया गाना सावे का पोस्टर लॉन्च हुआ है, सो वेरी मच एक्साइटेड। इट्स विद देसी म्यूजिक फैक्ट्री एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस ब्रांड, ग्लैड टू एसोसिएट एंड बॉम्बे आई एम लविंग योर वाइब, आई लव यू बॉम्बे। शूट का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, चंडीगढ़ गए तो मैं एक भी मिनट हिंदी में नहीं बात करी थी, पंजाबी एंड फुल ऑन पंजाबी एंड बहुत मज़ा आया, ठंड भी बहुत थी। मेरे सारे कजिन्स आए मुझे अम्बाला से मिलने जो मेरी नानी का घर है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सेट पे भी बहुत मज़ा आया, चाय वाले वीडियो पे सब खूब गाने बजा रहे थे माइक लेके फ़ोन पे रखे एंड बहुत सारे यू नो लोगों से वहाँ पे इंटरेक्शन हुई, फीमेल फैंस छोटे छोटे बच्चे इतने होटल लॉबी में मिले एंड दे वर लाइक मनारा दीदी वी लव यू, सो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। अभी पहली बार मैं स्टेप आउट करी थी यू नो इन अ पब्लिक डोमेन आउट ऑफ मुंबई और जो जो प्यार है वो बहुत ओवरवेलमिंग है, सो थैंक यू सो मच। सॉन्ग का नाम ही सावरे है तो ऑफकोर्स सब समझ ही सकते हैं एंड पोस्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है, बहुत कंपोज करके बनाया है हमने, दोनों के सेम आउटफिट्स हैं एंड एवरीथिंग, जो पहला पोस्टर आया एंड बहुत ही अच्छा गाना है, अखिल सचदेव का गाना है, इट इज गेटिंग रिलीज बाय देसी म्यूजिक फैक्ट्री, सो आई एम हैप्पी। बताओ कुछ कुछ शूट के मेरे इतनी ठंड में शिफॉन की साड़ी पहनी थी तो मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, मुझे अभी बस इतना ही याद है। Oh my God. और 300 million views में आप सबके मुंह में घी शक्कर
एंड आई होप जैसा आप मेरे लिए प्रे कर रहे हैं बिकॉज आप सब हैं, मीडिया है, तभी मैं हूँ और आप लोग सब मुझे इतनी अच्छी गुड विशेस दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप वर्ड्स में नहीं बता पा रही, आपको पता ना कभी कभी मैं बोल नहीं पाती। बिग बॉस से निकले तब बहन से मिलने गए थे, आई थिंक मैं एयरपोर्ट पे गई तो कहीं पे आ गया था दैट शी इज गोइंग टू एलए कि मैं एलए जा रही हूँ। नहीं नहीं मैं तो अभी इंडिया में ही हूँ, काम करना है मुझे, मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरी फिल्म भी रिलीज हो रही है। आपको सपोर्ट भी किया तो उन्होंने सपोर्ट भी किया, सपोर्ट भी किया आपने, सॉरी बहुत भी किया। आई डोंट नो, आई हैवंट रियली, आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट बट हाँ मतलब कलर्स एंडमो वायोकॉम दे आर लाइक फैमिली तो जब वो बुलाएंगे ऑफ कोर्स मेरा जाना बनता है बट एज ऑफ नाउ मैंने इतना नहीं सोचा बिकॉज मुझे फोबिया बहुत है इन सब चीज़ों का। सो आई थिंक अबाउट इट। अगर आपको I don't know about that. अभी तो इसके बाद मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है तो I'll be busy with those promotions. And let's see, जो भी डेस्टिनी में होता है वो तो होके ही रहता है। I think we share a great bond inside the house and I wish him all the best for his future endeavors. Thank you so much. Thank you. Hello everyone. आपके इयर रिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं, चमक रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे पता था मैंने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे भी सेंटर, आई जस्ट गेट माय पर्स, गिफ्ट पर्स। चलो अभी पार्टी करना है ना, पहला पार्टी बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद और गाना रिलीज होने वाला है, नया पार्टी निकलता है। सोनिया जल्दी निकल गई यार, इसको लाइव मारना था, नहीं हो पाया। चलो सोनिया जी, सोनिया जी के आसपास रहते हैं, ये बिग बॉस के बाद हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। नॉट मोर देन यू ब्यूटीफुल, इंग्लिश सीख के आए अंदर से मैं। दैट्स अभिषेक फॉर यू ऑल। अब आपको पता चला हम लाइव कैसे होते हैं, घर के अंदर सोचो कितना मस्ती मारते हैं और थोड़ा सा लड़ते हैं। बहुत लड़ रहा है, तुम सेट में भी लड़ पड़े थे कल। हां ऑलमोस्ट, बिग बॉस वाली बातें हो रही थी वहां पे, हमें फील आ रहा था बिग बॉस का थोड़ा। बट आप सांवरे प्रमोट करो, हमारा सांवरे गाना आ रहा है 12 तारीख को। हम लोग आप लोग इनके गाना देखे अभी इतने दिन बाद ये बाहर निकल के आए, कैसा लगा होगा? आपको दो हफ्ते अंदर आया कैसा लगा था? मुझे इनफैक्ट मुझे काम आने लगा था, वो इतना लंबा जर्नी करने के बाद कैसा लगा होगा अचानक शूट करें। हम बोट पे सेल करते करते अकेले पहुंच ही गए, बहुत मजा आया और बहुत लोग आके पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम बता नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। बट बहुत अच्छा शूट हुआ, एक्चुअली बहुत अच्छा शूट हुआ है और बहुत ही रोमांटिक है, रोमांस और इनफैक्ट मेरा रियल रोमांस निकल रहा था मेरा रंग मनारा के साथ। तो प्लीज देखना 12 तारीख को 9th को टीजर आ रहा है और 12th को रिलीज हो रहा है। ये आपने तीसरी बार इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, मनारा से पूछिए, मनारा जा रही है।
ऑलरेडी बिग बॉस के घर में काफी खतरों वाले खिलाड़ी थे जिनको मैं देख रही थी और उनके बीच में से निकल निकल के आगे तक पहुंचे। तो अभी थोड़ा मुझे पार्टी करने दो और बाकी पार्टी के बाद बताऊंगी नेक्स्ट के बाद। पार्टी के बाद वाइब के बाद बताएगी कि मनारास वाइब जो चल रही है वो खतरों में जाएगी या नहीं। अभी एक खतरे से निकली हूं यार बिग बॉस के, अभी एपिसोड्स को देखी हूं उनके सारे और किया मैंने। सोनिया भी जा सकती है। आना से बता दो कि आपके फैमिली कौन है, फैन क्या दी है, सोनिया ये मनारा भी फाइनल कौन है। देखो पहले मुझे बोल रहे थे कोई भी नहीं, अभी आप तीन तीन नाम जोड़ रहे। देखो कहाँ मेरी उपलब्धियाँ कहाँ पहुँच गई। नहीं नहीं सर अभी कोई भी नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मैं इनको डेट कर पाऊँ। इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। मनारा आप खाली है, आपको मैं पसंद हूँ। मनारा को चाहिए, मनारा को मैं पसंद नहीं हूँ। देखो जो भी मुंडा पंजाबी में गल करता है मनारा आधी फैट दे वैसे ही हो जाती है। ते ते साडा पंजाब दा शेर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोली सेम है। बाकी आपा देख लेंगे। बाकी मैं इना दी मम्मी ना गल कर ली। ओहो माय गॉड, नहीं नहीं की गाना कब रिलीज होना है बारे। हां ठीक हो गया जी। रवि सर को मैंने बोला था बट आई थिंक वो बॉम्बे में नहीं है, अभी कॉल करता हूँ उनको आ जाए तो। मैं सरगुन जी को सेंटर में मिला। हाँ कल मैं सरगुन मैम को मिला तो वो भी बहुत खुश थे, तो आ जाए तो अच्छा ही है। चलो गाइस थैंक यू, थैंक यू। आते के साथ मुझे डालने का मौका मिला और जब भी इतना प्यार आता है ट्रेंडिंग ट्रेंड कर रहा था वीडियो तो और भी खुशी है। थैंक यू सो मच। पहले से कितना अलग एक्सपीरियंस था ये वाला इस बार के स्टैंड अप कॉमेडी आपके लिए, यू नो इस बार आपकी फैमिली वालों ने पहले भी सीरियस इस बार कुछ अलग लेवल की, कितना अलग एक्सपीरियंस।
वो स्टेज मेरे लिए हमेशा इतना ऊपर रहा है कि वो कभी नीचे नहीं आता है, तो हमेशा मेरे लिए वो सबसे ऊपर रहा है। तो स्टेज पे जब भी मैं जाता हूँ, जैसे मैं पहले दिन स्टेज पे गया था वैसे ही फील होता है। लॉन्च हो गया पोस्टर का, मैंने नहीं देखा जेन्युइनली, आज मैं थोड़ा ऑफ था सोशल मीडिया, बट मैंने देखा नहीं है, बट अभी जाके मैं पक्का देखूंगा। अभी दिखा ना मेरे पास भी, शायद डिलीट कर दिया मैंने। ब्रो सच में आएगा पोस्टर? हाँ ब्रो। ओ ब्रो एक नंबर, ऑल द बेस्ट मेरे भाई को, बहुत ज्यादा प्यार और बधाइयां। और ये गाना मैंने सुना है ऑडियो, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल। अबीरा का जो अबीरा का तो सॉन्ग आने ही वाला है, अबीरा क्या होता है? अच्छा ये और मनारा, अबीरा क्या हुआ? अबीरा अबीरा वैसे मुनारा ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने देखा अभिषेक का और मनारा का वीडियो, दोनों को ऑल द बेस्ट और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुनारा के लिए वेट कर रहे लोग, हाँ तो वेट ही करने दो, वो वेट ही रहेगा। नहीं नहीं मतलब मैं ऑलरेडी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह है जो ऑलरेडी प्लान है, शूट भी है, तो अब वो देखते हैं कब रिलीज हो रहा है। भाई अभी तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं, इनका यही क्वेश्चन वही सोचा मैं, मतलब कोई पूछ क्यों नहीं रहा है वाला। जी 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 बना रहे, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिहर्सल्स भी चालू है, सब कुछ चालू है, तो बस बना रहे कंटेंट, बना रहे ऑडियंस को देने के लिए बढ़िया वाला। आपने तो बोला गलत अफवाह है, क्लियर। अपॉर्चुनिटीज काम है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम बाहर भी निकले तो मिले, बिजी हो जाते हैं सब लोग, अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, अपना अपना काम कर रहे हैं और वही करते रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए लोगों को। ज्यादा मिलेंगे तो लड़ाई ही होंगी बिग बॉस ही मिल जाए। 105 दिन साथ में थे, अभी नहीं मन करता एक दूसरे को देखने का। मिलते रहेंगे, इस तरह का कुछ भी शो इवेंट होता है या कुछ भी काम रहा तो मिलते रहेंगे, ऐसा है, बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। अभिषेक तो मुझे, मैं और अभिषेक 2-3 बार मिलने की कोशिश की बट नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, बट इट्स ऑल चिल। अभिषेक नहीं आ सकता मेरे घर पे क्योंकि इसको क्या है भाई, दो विनर है एक दिन लड़ाई हो रही थी, मसाले वाला सिस्टम था ना, तो ये कह रहे थे स्टे अवे फ्रॉम मून, मैंने कहा केड़ा मून है उरे। हां हमारे सॉन्ग में था, मैं और अभिषेक गाने के लिए बैठे हैं और वहां हम मून को देख के वी आर फीलिंग वेरी रोमांटिक एंड देन प्रोबेबली वी सेड दैट। मैं वैसे भी रोमांटिक फील कर रहा था, मना आ रहा है ठीक है, और अभिषेक है तो मैं भी रोमांटिक फील ऑलमोस्ट। सामरे के लिए ऑल द बेस्ट दोनों को, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, और आप वो सामरे के बारे में क्वेश्चंस है वो पढ़ा, नहीं हो गए वो क्वेश्चन, हो नहीं नहीं चलो सामरे के तो क्वेश्चन हो ही गए हैं, सारे लोग आ गए, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू।